मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी आरएलडी में आज हो सकता है गठबंधन का ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम योगी करेंगे मुजफ्फरनगर का दौरा। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज हो सकता है गठबंधन का ऐलान। राज्यसभा में जयंत चौधरी ने जमकर की थी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम योगी जो है मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे और राज्यसभा में जयंत चौधरी ने पीएम मोदी की तारीफ भी की थी और चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज गठबंधन का ऐलान हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। आरएलडी और बीजेपी में आज गठबंधन हो सकता है, तो मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी मुजफ्फरनगर का दौरा कर सकते हैं, तो मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। और आरएलडी बीजेपी में आज गठबंधन हो सकता है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो आज जो है गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है और चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज जो है गठबंधन का ऐलान आरएलडी और बीजेपी में शामिल होने का जो है ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने पीएम मोदी की राज्यसभा में तारीफ भी की थी और काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि ये शामिल हो सकते हैं एनडीए में। तो मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्यसभा में जयंत चौधरी ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज गठबंधन का ऐलान भी किया जा सकता है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम योगी मुजफ्फरनगर का दौरा कर सकते हैं, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। वहीं राज्यसभा में जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफें भी की थी और बीजेपी आरएलडी में आज गठबंधन का ऐलान हो सकता है। तो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है और बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा सीएम योगी आज मुजफ्फरनगर का दौरा भी कर सकते हैं। वहीं राज्यसभा में जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री की तारीफें की थी और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं इस खबर पर मुहर भी लग गई थी कि जल्द ही गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। तो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है और बीजेपी आरएलडी के गठबंधन का ऐलान आज किया जा सकता है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी आरएलडी में आज गठबंधन का ऐलान हो सकता है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर का दौरा कर सकते हैं। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम योगी मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, आज मुजफ्फरनगर में जो है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, सुक्करताल में वो आने वाले हैं और हो सकता है कि जरूर जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे हैं आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन को उसको लेकर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर सुनने को मिल सकता है। जी, और बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस दौरान दौरा कर सकते हैं, तो क्या लगता है इसी दौरान जो है ऐलान किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये कार्यक्रम है इसमें जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी आ रहे हैं और जो तमाम भाजपा के जो बड़े नेता हैं पश्चिम के वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। काफी संख्या में भीड़ भी होने वाली है, खुद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद हैं
तो जरूर कहीं ना कहीं ये कयास तो जरूर लगाया जा रहा है कि जो चर्चाएं लगातार चल रही हैं भाजपा रालोद को लेकर, उनमें जरूर यहाँ कोई ना कोई ऐलान किया जा सकता है या और भी कोई घोषणा हो सकती है। जी, कितने बजे से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा होगा वहाँ, कब जेपी नड्डा वहाँ पहुँच सकते हैं? जी देखिए, लगभग 11 बजे के आसपास का जो है वो समय बताया गया है। हालांकि अभी अभी तक सिर्फ 11 बजे का ही हमें पता है। अभी जिस समय भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे उस समय तुरंत बता दिया जाएगा। जी, चौधरी चरण सिंह की जयंती है, तो इस दौरान मतलब कह सकते हैं कि पिछले समय से जो कयास लगाए जा रहे हैं उसको एक रूप दे दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से जब जो मुख्यमंत्री ने भी जो प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया था चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया, उससे कहीं ना कहीं जो यहाँ जो जाट समुदाय है उसमें काफी खुश दिखाई दी, जो किसान है वो काफी खुश दिखाई दिए, और उसके बाद को लेकर कहीं ना कहीं ये कयास पूरी तरह से माने जा रहे हैं कि बीजेपी और रालोद के बीच गठबंधन होगा। जी, और क्या इसको लेकर सपा की कोई प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि बताया जा रहा था कि अखिलेश जो है इससे काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी तक जब से ये घोषणा हुई है उसके बाद से अभी तक जो रालोद के कोई नेता हो या सपा के कोई नेता या अन्य विपक्ष कोई है वो अभी तक कुछ बोलने को तैयार नहीं। हालांकि बीजेपी के भी जो यहाँ के जो नेता थे उन्होंने भी अभी तक किसी तरह की कोई बात गठबंधन को लेकर नहीं बोली है। जी, तो कहीं ना कहीं बताया ये भी जा रहा है कि अखिलेश जो है राहुल गांधी से इन दिनों नजदीकियां बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये आरएलडी का ही झटका माना जा रहा है। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।